लोगों के बीच में आज साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए एमओयू को साइन कराकर अपनी आश्वस्ति एवं संरक्षण प्रदान करें। तालियों के साथ इस क्षण को ऐतिहासिक रूप से प्रदेश में पहली बार पुलिस और टेक्निकल संस्थान के साथ एमओयू गोरखनाथ साइबर एनालिटिक एंड फोरेंसिक सेंटर के रूप में आज की यह एमओयू साइन होने के उपरांत सादर धन्यवाद महोदय। विकास की कड़ी में एक संक्षिप्त वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। गोरखपुर न सिर्फ गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि है बल्कि सदियों से भारतीय संस्कृति ज्ञान विज्ञान की ज्ञान भूमि भी रही है। इसी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों से पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। 12 करोड़ की लागत से तैयार ये प्रशासनिक भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। जीवन पर्यंत उच्च शिक्षा को सुगम और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर बने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन के लोकार्पण से डबल इंजन की सरकार की शिक्षा नीति को और मजबूती मिलेगी, जिसकी प्राथमिकताओं में उच्च शिक्षा का व्यापक प्रसार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः इस अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन से न सिर्फ विश्वविद्यालय का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा बल्कि छात्रों में शिक्षा का प्रसार और उनकी सहायता में भी यह उपयोगी भूमिका निभाएगा। सभी पढ़ें आगे बढ़ें मंत्र के अनुरूप स्पष्ट नीति, साफ नियत और नेक इरादों से क्वालिटी एजुकेशन के समान अवसर उपलब्ध करा रही है डबल इंजन की सरकार। शिक्षा के क्षेत्र की असीम संभावनाओं को भी हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं और उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों ने भी एक अच्छे प्रयास प्रारंभ किए। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य और सभ्य समाज की स्थापना में शिक्षा की बड़ी भूमिका है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। नई सोच नई संकल्पों की अनवर श्रृंखला के सृजनकर्ता मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, विश्वविद्यालय के सभी स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राएं, उपस्थित महानुभाव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपना नया प्रशासनिक भवन प्राप्त होने पर
प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में, लोक कल्याण में कैसे किया जा सकता है, आप जैसे सुधीजनों को इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम लोग देशों की या प्रदेशों की रैंकिंग की बात करते हैं तो वह दो महत्वपूर्ण पहलू उसमें आती है। एक, अगर जब हम प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं की स्थिति क्या है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है, और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है। इसका एक उदाहरण है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अत्यंत खराब थी, लगभग 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने रिफॉर्म किए, सिंगल विंडो पोर्टल बनाकर के निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए किए गए रिफॉर्म को समयबद्ध तरीके से जमीनी धरातल पर उतारे। परिणाम है, उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ, 14 से नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया। सरकार की योजनाओं को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारने में हमें कितनी सफलता प्राप्त हो रही है, इज ऑफ लिविंग उस व्यक्ति को शासन की योजनाएं प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी ने इस कार्य को बहुत आसान किया है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के उपरांत हर गरीब का अकाउंट जनधन अकाउंट के माध्यम से खोलना प्रारंभ किया था, बहुत सारे लोग उस समय इसकी खिल्ली उड़ाते थे कि खाली अकाउंट खोल करके गरीबों का अपमान किया जा रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी करके वह सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इसकी अगली कड़ी क्या है। और उसके उपरांत जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी प्रकार के लेन देन, एक गरीब का हो, एक सामान्य नागरिक का हो, एक कर्मचारी का हो या एक व्यापारी का, डीबीटी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। डिजिटल पेमेंट ने एक नई क्रांति ला करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में और उसको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया के
प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने की दृष्टि हो या फिर अपनी युवा शक्ति को दुनिया के अंदर संजोग से भारत सबसे युवा देश है, यानी दुनिया के अंदर किसी एक देश में सबसे अधिक युवा निवास करते हैं तो सौभाग्य से भारत है, और भारत में कोई प्रदेश है जिसके पास सबसे बड़ी युवा ताकत है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी आबादी है, और डिजिटल इंडिया का लाभ यह आबादी सर्वाधिक ले सकती है। डिजिटल इंडिया के इस क्रांतिकारी अभियान के साथ पीएम स्टार्टअप की नीति हो या पीएम मुद्रा की योजना, प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसने प्रत्येक युवा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है, और आज उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं के साथ जुड़ करके नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। अभी 21 से 25 के बीच ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। दुनिया के 500 बायर्स उसमें उपस्थित हुए थे, और आश्चर्य करेंगे कि 3 दिनों में, यानी इन 5 दिनों में, पहले दिन तो राष्ट्रपति जी उद्घाटन में आई थी, तो पहले दिन तो 21 को तो केवल उद्घाटन की औपचारिकता हो पाई थी, लेकिन 22 से लेकर 25 के बीच लगभग 4 लाख लोग वहां पर आए, और उन लोगों ने वहां पे इनोवेशन को भी देखा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देखा। उत्तर प्रदेश के तमाम संस्थानों ने और खासतौर पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने स्टार्टअप वहां पर स्थापित किए थे। लोगों को आश्चर्य था, क्या ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है? उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास जिन्हें नहीं, वे लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन आज कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स अकेले उत्तर प्रदेश से इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में उपस्थित हुए थे, और उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को वहां पर प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे थे। तमाम हमारे तकनीकी विश्वविद्यालयों के इनोवेशन भी वहां पे स्थापित किए गए थे, जिसको दुनिया देख रही थी कि अच्छा, ये ताकत है उत्तर प्रदेश में। और आज इसीलिए जब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए हैं, पूरी दुनिया खुली हुई है। इसमें हम अपने आप को जितना समाज की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप किसी इनोवेशन के साथ जोड़ करके अपने रिसर्च को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, उसके परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने विश्वविद्यालयों को, आज हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जो हमारे इनोवेशन और रिसर्च के सेंटर होने चाहिए वे सरकार निरपेक्ष और समाज से निरपेक्ष हो चुके हैं। हमें निरपेक्ष भाव से नहीं, निरपेक्षता केवल भ्रष्टाचार के प्रति होनी चाहिए, अव्यवस्था के प्रति होनी चाहिए, किसी भी अराजकता के खिलाफ होनी चाहिए। हमें सरकार की योजनाओं के सापेक्ष, समाज सापेक्ष एक सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और उसके परिणाम आने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। आज मुझे प्रसन्नता है, राज्य सरकार ने जैसे तय किया, जब 2017 में
मुझे उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, तब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल दो साइबर थाने थे, एक लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर में। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक एक साइबर थाने की स्थापना करवा दी है। हर जनपद में, हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी कर दी है। अब विश्वविद्यालयों को और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर साइबर थाना बनने हैं तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप उनके साथ एमओयू कर सकते हैं। जैसे गोरखपुर जॉन के साथ आज मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय ने यहाँ के एडीजी पुलिस के साथ में आज एमओयू करते हुए गोरखपुर जॉन को तकनीकी सपोर्ट के लिए विश्वविद्यालय जैसे आगे आया है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपके सामने दूसरा अवसर हो ही नहीं सकता कि जहां कार्य होना है वे भी इसी समाज में मौजूद हैं, जिनके लिए कार्य होना है वे भी यहीं मौजूद हैं, और जिन्हें कार्य करना है वे भी यहां मौजूद है। केवल इन कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है, और उन कड़ियों को जोड़ने का एक माध्यम प्रशासन बन सकता है, शासन बन सकता है, और उन्हीं कड़ियों को जोड़ने का यह माध्यम विश्वविद्यालयों को भी प्रोएक्टिव होकर के बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम देखें या अपने को ये माने, अरे साहब इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था और प्रोजेक्ट पूरा करके फिर अपने को साइड कर लिए, इससे परिणाम नहीं आने वाले हैं। हमें परिणाम देने के लिए प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। समाज की आवश्यकता क्या है उस आवश्यकता के अनुरूप इनोवेशन को आगे बढ़ाना। अगर आपने कोई अच्छा रिसर्च किया है उसका स्टडी पेपर देने के साथ ही उसे पेटेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा देना, और फिर सरकार के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना। मुझे लगता है आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और आज तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तकनीकी संस्थानों को अब उन घिसे पिटे कार्यक्रमों के साथ जो आज काफी पीछे छूट चुके हैं उससे आगे बढ़ना होगा। इसमें हर एक क्षेत्र में नई संभावनाएं हैं, विश्वविद्यालयों को देखना होगा कि न्यू एज कोर्सेज को हम कैसे प्रभावी ढंग से अपने यहां रोक लागू कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी उत्तर प्रदेश में बन चुका है, उस डाटा सेंटर के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वह उत्तर प्रदेश में बन चुका है, उसके साथ विश्वविद्यालय कैसे एमओयू करके अपने कार्यक्रमों को और अपने बच्चों को, अपने यहां के बच्चों को उनके साथ जोड़ सकता है, यह हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ड्रोन आज की आवश्यकता है, यह जीवन को और आसान कर सकता है। मैं जब मंच पे था तो मुझे माननीय सांसद जी ने ही पूछा, कहा कि इस संस्थान में क्या होता है। मैंने कहा यह एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहां के जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, वे यहां से जब जाते हैं तो जो भी ऐसा कार्य है जो इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है वो ये सभी कार्य इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये उस फील्ड की एक शुरुआत यहां से शुरू करते हैं, और फिर ये लोग अलग अलग संस्थानों में जाकर के उन संस्थानों के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, मैंने कहा आप फिल्मों में काम करते हैं, उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा वहां कैमरा इस्तेमाल होता है, कहा हाँ, मैंने कहा ये कैमरा भी यही लोग बनाते हैं, ये कैमरा कोई और नहीं बना लेता है। ऊपर से कोई शॉट लेना हो तो ड्रोन में उसका आज उपयोग कर रहे हैं, ये ड्रोन भी यही लोग बनाते हैं, जो बाहर ड्रोन देखा है ये कहीं और नहीं बनता है। इन्हीं संस्थानों में समाज की आवश्यकता के अनुरूप, अभी तक फिल्मों में उपयोग कर रहे थे या कहीं शादी ब्याह में उपयोग कर रहे थे,
अब इसका उपयोग कृषि में भी होने लग गया है। आपने देखा होगा 10 लीटर क्षमता का कोई पेस्टिसाइड या कोई भी फर्टिलाइजर लेकर के, लिक्विड फर्टिलाइजर लेकर के वह ड्रोन जा सकता है और एक एकड़ खेती को 10 मिनट के अंदर खाद का या दवा की छिड़काव करके उस किसान को दवा के दुष्परिणामों से मुक्त एक व्यवस्था दे सकता है और बेहतरीन तरीके से एक जैसे छिड़काव के साथ पूरी खेती को जोड़ सकता है। व्यक्ति पहले मैनुअली जब करता है तो या तो हाथ से खाद छिड़कता है या फिर वह कंधे में रख करके पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए मजबूर होता था। आप अनुभव कर सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड जिससे जहरीले कीड़े मर रहे हों, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी जो अपने कंधे में उसको सटा करके और फिर उससे छिड़काव करता होगा। टेक्नोलॉजी उसके लिए है और टेक्नोलॉजी ने, ड्रोन टेक्नोलॉजी ने उसकी स्थिति को और आसान किया है। ऐसे ही डाटा एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया में आज जितनी भी भागम भाग हो रही है, जितना कुछ हो रहा है, उसके पीछे डाटा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके एनालिसिस की भी व्यवस्था, हमें केवल शोध ही नहीं देना है, उसके परिणाम और दुष्परिणामों से बचाव के रास्ते भी तलाशने हैं। अगर ड्रोन दे रहे हैं तो ड्रोन का उपयोग तो हो, लेकिन ड्रोन का दुरुपयोग भी रोका जा सके इसकी तकनीक भी आपको विकसित करनी होगी, उस दिशा में भी प्रयास करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन को आसान कर सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणामों को के माध्यम से जीवन को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कैसी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इसका क्या उपयोग हो सकता है, इस दिशा में भी एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस दिशा आज की आवश्यकता के अनुरूप मैं एक जगह गया, एक समीक्षा बैठक ले रहा था, वहां पे नेचुरल गैस पाइप से बिछाई जा रही थी, अचानक कार्य रुक गया। तो मैंने पूछा भाई कार्य क्यों रुका है, उन्होंने कहा साहब रोका इसलिए क्योंकि अगर हम लगा भी देते तो हमारे पास मैन पावर नहीं था। मैंने कहा मैन पावर कैसा चाहिए, कहा कि हमें अच्छे ट्रेंड प्लंबर चाहिए, इंजीनियर है लेकिन प्लंबर नहीं है। आप सोचिए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को क्रियान्वयन कर रहे हैं, हर घर तक शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम पहुंच रही है। अब पाइप पेयजल की स्कीम हर घर तक पहुंच रही है तो पाइप पेयजल की स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अगर पानी पीना है तो पानी की बचत की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। और अक्सर होता क्या है, पानी खुला हुआ है तो खुला ही हुआ है, कोई बंद करने वाला नहीं होता है, कहीं पाइप लीक हो रहा है तो पानी वहां से निरंतर गिर रहा है, कोई उसको बंद करने वाला नहीं है। अगर हर गांव में ट्रेंड प्लंबर हो जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ या जल की एक एक बूंद पानी के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकेंगे तो यह योजना लंबे समय तक लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम बन सकती है, बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में यह योजना सफल हो सकती है और उस कार्यक्रम के साथ हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। लेकिन तकनीकी सपोर्ट के लिए हमारे तकनीकी संस्थानों को इसमें आगे आना चाहिए। आवास की सुविधा आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को आवास चाहिए, लेकिन आवास की तकनीक भी हम कैसे आसान कर सकते हैं, जल्दी घर बन सके, सस्ते में घर बन सके, हाई राइज बिल्डिंग बन सके, इसके लिए भी नई तकनीक विकसित करने के लिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं वहां जाकर के उसे देखना, फिर उसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है,
अपनी लेबोरेटरी में आकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना। गोरखपुर हो या फिर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, आपने देखा होगा हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के अंदर 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को लाने में सफल हुआ, लेकिन 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों को जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है उनमें सबसे पहली आवश्यकता तो ये कि इतना ट्रेंड मैन पावर जो भी वहां के लिए योग्य मानव संपदा की आवश्यकता है, क्या उसको देने के लिए हमारी तकनीकी संस्थान आगे बढ़ पाएंगे। मैं गीडा में अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में गया था और मैं वहां देख रहा था लोगों की आवश्यकता है, ट्रेंड मैन पावर आवश्यकता है, लेकिन ट्रेंड मैन पावर नहीं मिल पाता है। अगर हम लोकल स्तर पर अपना तकनीकी सहयोग गीडा प्रशासन के साथ मिलकर के वहां पर किसी ऐसे संस्थान को जहां पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के कार्यक्रम भी इसके साथ चलें और फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी आपूर्ति करने में हम भी अपना तकनीकी सपोर्ट करेंगे तो आपको भी विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आमदनी भी होगी, लेकिन साथ साथ योग्य और ट्रेंड मैन पावर पहले दिन से आपको वहां पर उस इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस दिशा से हर इंडस्ट्री के लिए एक व्यवस्था और भी की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री कोर्स को आगे बढ़ा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जहां इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है, वहीं पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम इसमें बड़ी मददगार हो सकती है। हर उस जो 3 महीने 6 महीने के किसी सर्टिफिकेट कोर्स के साथ जो युवा जुड़ना चाहता है, 1 साल के किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के साथ कोई जुड़ना चाहता है, इसके लिए इंडस्ट्री के साथ या वहां के प्रशासन के साथ हमारे एमओयू अत्यंत मददगार हो सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस दिशा में इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। यहां से निकले हुए स्नातक और परास्नातक देश और दुनिया के अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्लेटफॉर्म देश के सभी युवा टेक्नोक्रेट को उपलब्ध करवाया है, उसके लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी युवा साथी भी अपने आप को तैयार करेंगे, उस योग्य अपने आप को तैयार करेंगे कि वे अपने देश के लिए प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय पूरी तत्परता के साथ एक प्रभावी भूमिका के साथ जिस महापुरुष के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है